अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खाना दिल से बनाना। आज हम दिखा रहे हैं कि केक जो है घर पे सादा सा केक विद ड्राई फ्रूट्स और जो चीज़ें केक के लिए चाहिए रहती हैं बस वो, और आप बनाइए और घर में जो है आराम से खाइए चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, किसी के साथ भी। तो उसके लिए देखिए, ये सबसे पहले तो हमने बोल ले लिया है, और इसमें जो है जो चीज़ डालेंगे वो है ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू और थोड़े से खजूर चार। इसको हमें पहले वो करना होगा, क्रश करना होगा। और पिसी शक्कर ले ली है, शक्कर चीनी जो होती है उसको पीस के रखा है। अंडे दो हैं, और ये है कोको पाउडर जो 2 टेबल स्पून इनफ होगा। अच्छा, इसमें ऑयल भी पड़ता है, तो ये है हमारा जैसे घर पे नॉर्मली रहता है रिफाइंड ऑयल। आप इसमें बटर, घी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऑयल से ही बना रहे हैं। अच्छा, कोको पाउडर हमने ये लिया है, तो इसमें से आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आपको सही लगे। वैसे हमने 2 टेबल स्पून लिया है। और बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, और बेकिंग पाउडर के साथ साथ सोडा भी डालते हैं, खाने का सोडा, वो भी हम इसमें डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ये छन्ना चाहिए होगा, जिससे कि हम अपने फ्लोर को, ये सादा मैदा है और ये 1 कप हमने लिया है, इसको हम पहले इसमें डालेंगे और इसको ठीक से छान लेंगे। देखिए ये वाला हो गया, और हम इतना ही फिर से एक ले लेंगे, तो 2 हमें कप ये चाहिए होगा। और ये हमारा कप है 250 ml का, तो आप इसे नापने के लिए ले लीजिए, क्योंकि केक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा सब चीज़ें का बढ़ जाएगा तो फिर वो सही से बनता नहीं है। केक वगैरह में हर चीज़ जो है नाप के और सही क्वांटिटी रहती है तो परफेक्ट बनता है। बाकी आप कुछ भी बनाइए या तो अपने अंदाज से बना लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना टेस्ट आता है। लेकिन केक में चीज़ों को देखना पड़ता है कि सब कितनी पड़नी चाहिए। अच्छा, ये हमारा फ्लोर हो गया है, अब इसमें हम जो है ये कोको पाउडर ऐड करेंगे, और ये जो शक्कर है ये पीस के, इतनी ही इसी नाप से हमने शक्कर ली थी जो हमने पीस के रखी हुई है। और क्योंकि 2 हमने लिया है तो शक्कर भी हमें 2 ही वो चाहिए। अच्छा, देखिए शक्कर जो है हमने उतनी लिया था, और इसको भी इसे भी हमने छान लेना चाहिए था, पहले वाला नहीं छाना। चलिए इसको भी वो कर लेते हैं, तो शक्कर में जो बड़ी बड़ी गुलटियाँ हों, हालांकि पिसी रहती हैं, बाद में मेल्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पहले मिस हो गया है। आप छान लीजिएगा दोनों, शक्कर जितनी भी डालिएगा। चलिए ये थोड़ी सी बड़ी सी निकली है, ये अलग कर दे रहे हैं। अब सब चीज़ें पड़ गई हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडा। ठीक है, और इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, जो कि अंडे डालो तो उसकी थोड़ी सी स्मेल कम हो जाए, तो इसके लिए खुशबू अच्छी आती है। आप अपने अंदाज से डाल दीजिए, वैसे हम इतनी बस देख रहे हैं ना कि कितना डाला है हमने, करीब 1 टेबल स्पून डाला होगा, इतना बड़ा चम्मच 1 डाला होगा। अच्छा, अब हम डालते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी इस चम्मच से 1/2 चम्मच डालना है, ये छोटा है इसलिए हम आपको अंदाज से बता रहे हैं, तो वो 1/2 चम्मच ही होगा। अब हम इसमें डालेंगे सोडा, नॉर्मली जो घर में हम लोग रखते हैं खाने वाला, वो भी 1/2 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि केक स्पंजी होना चाहिए। तो बाकी सब चीज़ें पड़ गई हैं, अब हमें डालने हैं इसमें ऑयल,
ऑयल पड़ेगा और थोड़ा सा ऑयल को हमें सेपरेट करके रख देना है अपनी जो है ग्रीस करने के लिए, जिसमें हम अभी अब केक को बेक करेंगे। अब है इसे पहले हम लोग क्रश कर लेते हैं, और क्रश करने के लिए ये हमारे पास हैंडी चॉपर है, इस पे डाल के हम कर रहे हैं क्रश। आप चाहे मिक्सी में भी कर सकती हैं, ग्राइंडर में भी, लेकिन बहुत पाउडर नहीं करना है। थोड़ा सा मुंह में ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो बस आप जो है हल्का सा चॉप करिएगा। चलिए ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये चॉपर में ठीक से चॉप हो गया है। आप देख रहे हैं कि सब फाइन चॉप हुआ है, बहुत पाउडर नहीं किया है। अच्छा देखिए, हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हमें जो ये डेट्स काट के रखे हैं उसको भी ऐड करना है, और ये किशमिश। तो अब सब चीज़ें हमारी ऐड हो गई हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे जो है मिक्स करने के लिए हमें ये 2 कप मिल्क रखा है, फ्रिज का है और बहुत चिल्ड नहीं है, नॉर्मल ठंडा है। और इसमें आप धीरे धीरे इसको मिक्स करिए, क्योंकि केक की वो जो है बहुत पतला और गाढ़ा दोनों नहीं चाहिए होता है। देखिए अभी हम मिक्स कर रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध पड़ेगा। देखिए अभी भी ये अबाय माए से गिरने में टाइम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अच्छा, ये कोको पाउडर डालने से देखिए ये कलर आ रहा है। वैसे कोको पाउडर ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो ना डालिए, ऐसे ही प्लेन केक में भी सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब डाल के बना सकते हैं, अच्छा आता है। और क्योंकि बच्चों को हमें पसंद है तो चॉकलेट फ्लेवर तो हम डाल देते हैं। इसे ऐसे ही मिलाना है धीरे धीरे, तो इसकी जो है लिक्विड वो होगी। देखिए अब इसमें जो है सब चीज़ें पड़ गई हैं और ये अच्छे से मिल भी गया है। देखिए जब चम्मच से ऐसे गिरने लगे तब समझ लीजिए आपका बैटर जो है तैयार हो गया है। इसको जो है हम थोड़ा सा मिक्स करके फिर अपने उसमें डालते हैं जिसमें हमें अभी बेक करना है, इसको एक साइड रख देते हैं। ये देखिए हमारा ये मोल्ड है, इसमें हम अब इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल जो बचा था ना उसी से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ब्रश से आसानी से हो जाता है। अच्छा कभी होता है कि इसको ग्रीस करने के बाद भी केक जो है काफ़ी कभी उसमें से चिपक जाता है, तो हमारे पास ये बटर पेपर है, तो बटर पेपर को भी हम लगा देंगे इसमें, तो ये केक जो है बहुत आसानी से आपका बाहर आ जाता है। इससे इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। जब तक हम ये करेंगे ना ग्रीस वाला काम, तब तक आप अपने ओवन को प्रीहीट कर लीजिए। प्रीहीट आपको उस नहीं करना है जैसे केक के लिए चाहिए रहता है 180 डिग्री पे, और बेक के उस पे लगा के आप करीब 10-15 मिनट उसको प्रीहीट कर दीजिए। जब ओवन गर्म हो जाएगा तब तक आपका ये तैयार हो जाएगा। अच्छा ये हमारा अब इसमें हम डाल रहे हैं। इसकी जो है बेटर जो है बटर क्या,
देखिए इसमें हमने डाल दिया है, और इसमें एयर ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे हिलाना होगा, पटकना होगा, ताकि इसकी एयर निकल जाए। एयर जब रहती है ना तो अक्सर बेक होने में बीच से फूल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे एयर नहीं रहती है तो फिर वो बिल्कुल फ्लैट केक आपका तैयार होगा। अब इसको हम ऐसे लेके और अपने ये उसमें हमने प्री हीट कर लिया है ओवन, और ओवन में हम इसको रख देंगे। अच्छा, अब इसमें जो है हमें आपको इस केक को प्री हीट के बाद जो है 45 मिनट्स के लिए रखना है, और बीच में आपको उसको एक बार चेक करना होगा। इसमें लाने लगती है तो चेक करने करिएगा, तो टूथपिक लेके फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, या आपके घर में नाइफ़ है, जैसे नाइफ़ को आपने केक में डाला और फिर उसमें अगर सूखा है तो फिर जो है आपका तैयार हो गया है। चलिए अभी होने दीजिए, फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए हम इसमें जा डाल के देख रहे हैं, तो अभी ये हमारा गीला है, समझे, तो ये अभी तैयार होगा। अभी बीच में आपको सीधा चेक करना है, अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बंद करिएगा। देखिए ये अब हमारा ओवन से निकल गया है 45 मिनट्स में, और ये जो है बिल्कुल तैयार है। ये हमने इसमें नाइफ किया और देखिए भाई नाइफ़ बिल्कुल सूखी है, तो उसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसको जो है इसे निकालते हैं। ये देखिए ये आसानी से निकल गया ना। अब देखिए ये हमने इसको अपनी प्लेट में निकाल लिया है, और ये काफ़ी स्पंजी है, देखिए आपको हम दबा के दिखा रहे हैं, और ये कट कर रहे हैं। इसमें हम डेकोरेशन भी कर सकते थे, कुछ भी ऊपर से डाल सकते थे, क्योंकि हमें प्लेन चाहिए था, और प्लेन जो है चाय के साथ पीने के लिए, कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी। देखिए इसकी स्पंजी देखिए आप, सही है, सही तो लग रही है। इसे आप बनाइए और खाइए, मज़े लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।